हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वाइस के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 12 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 11 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 551 होने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 550 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 551, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग राउंड सेक्शन ऑफ मेटल ट्यूब्स एंड पाइप्स। निम्नलिखित में से किस वाइस का उपयोग धातु ट्यूबों और पाइपों के गोल खंड को पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी टूल मेकर्स वाइस। जो पाइप ट्यूब ऐसे सब पकड़ने के लिए कौन सा वाइस का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी पाइप वाइस। जो राउंड सेक्शन होते हैं वो पाइप वाइस के द्वारा ही अच्छे ग्रिप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552, पाइप वाइस ग्रिप्स द वर्क आर्ट। पाइप वाइस डेस्क पर काम को पकड़ लेता है। ऑप्शन ए 2 पॉइंट, ऑप्शन बी 3 पॉइंट, ऑप्शन सी 4 पॉइंट, ऑप्शन डी 6 पॉइंट। आंसर इज ऑप्शन सी 4 पॉइंट। जो पाइप वाइस एक पाइप को पकड़ने के लिए उसका 4 पॉइंट यूज होता है। देखिए यहाँ पर ये जो पाइप वाइस है 1, 2, 3 और 4, ये चारों पॉइंट एक पाइप में पड़ता है तभी एक ग्रिप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 553, व्हिच टाइप ऑफ वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्क्रूज, रिबेट्स, कीज एंड स्मॉल ड्रिल। सिकंजा, रिबेट्स, चाबियां और छोटी ड्रिल पकड़ में बनाए रखने के लिए किस प्रकार के वाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी टूल मेकर्स वाइस। आंसर इज ऑप्शन सी हैंड वाइस। हैंड वाइस का उपयोग स्क्रू, रिबेट और स्मॉल ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 554, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हैंड वाइस। हैंड वाइस की लंबाई और चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए लेंथ 125 टू 150 mm एंड विड्थ 40 टू 44 mm। ऑप्शन बी लेंथ 130 टू 155 mm एंड विड्थ 45 टू 55 mm। ऑप्शन सी लेंथ 135 टू 160 mm एंड विड्थ 50 टू 65 mm। ऑप्शन डी लेंथ 145 टू 170 mm एंड विड्थ 55 टू 75 mm। आंसर इज हैंड वाइस का जो साइज होता है वो होता है 125 टू 150 mm, उसका लेंथ होता है और उसका विड्थ 40 टू 44 mm होता है। यानी आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 555, इन व्हिच वाइस विंग नट इज यूज टू ओपन और क्लोज द जॉ। कौन से वाइस में जबड़े को खोलने या बंद करने के लिए विंग नट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी टूल मेकर्स वाइस। आंसर इज ऑप्शन सी हैंड वाइस में जो ग्रिप बनाने के लिए, जो टाइट करने के लिए विंग नट का यूज किया जाता है। देखिए ये होता है विंग नट, ये पार्ट को कहते हैं विंग नट, इसी से ही ओपन और क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 556, व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल डायमीटर जॉब। किस वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास की जॉब के लिए किया जाता है?
किस वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास की जॉब के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी टूल मेकर्स वाइस। स्मॉल डायमीटर जॉब को पकड़ में बनाने के लिए जो वाइस का यूज़ होता है वो होता है पिन वाइस। पिन वाइस में छोटे से छोटे जॉब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 557। व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क व्हिच रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग एंड फॉर मार्किंग ऑफ स्मॉल जॉब ऑन द सरफेस प्लेट। किस वाइस का उपयोग छोटे काम को रखने के लिए किया जाता है जिसके लिए फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है और सतह की प्लेट पर छोटे काम को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी टूल मेकर्स वाइस। आंसर इज ऑप्शन डी टूल मेकर्स वाइस। टूल मेकर्स वाइस का यूज़ ये स्मॉल जॉब को फाइलिंग और ड्रिलिंग ये सारे काम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 558। टूल मेकर वाइस इज मेड ऑफ। टूल मेकर वाइस डेथ से बना है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी टूल स्टील, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। आंसर इज ऑप्शन बी माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से बनते हैं टूल मेकर्स वाइस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। थैंक यू।